हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पैनासोनिक के इस 4.1 होम थिएटर का रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों, ये एक ऑनेस्टली रिव्यू होगा। दोस्तों, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ये हमारी शॉप में जितने भी होम थिएटर आते हैं उन सभी प्रोडक्ट का मैं ऑनेस्टली रिव्यू करता हूँ। ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, सो इसका भी मैं एक ऑनेस्टली रिव्यू करूँगा। ये एक पैनासोनिक की तरफ से आने वाला 4.1 100 वॉट का होम थिएटर है। आप इसके 4 सैटेलाइट स्पीकर देख सकते हैं, ये इसका सबवूफर। सो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे होम थिएटर का रिव्यू किया है, आप उनकी डिटेल चैनल पर देख सकते हैं। उसमें पैनासोनिक है, सोनी है, जैक मार्टिन है, और पैनासोनिक का एक डिफरेंट मॉडल है, एक नया मॉडल है। हम इसका डिटेल में रिव्यू करने जा रहे हैं। उससे पहले दोस्तों, आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए और आपको सभी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमारे चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। आपको एक अच्छा प्रोडक्ट खरीदने में उनकी बहुत हेल्प होगी। सो आप कोई भी नया प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो डेफिनेटली एक बार वीडियो देख लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है। सो दोस्तों, डोंट वेस्ट योर टाइम, चलिए जल्दी से मैं इनकी सभी डिटेल्स बताता हूँ। चलिए, सबसे पहले अब हम देखते हैं, इसके साथ आपको बॉक्स कॉन्टेक्ट में ये इसका रिमोट कंट्रोल दिया जाता है। इसके साथ आपको ये 3.5 mm की RCA केबल प्रोवाइड किए जाती है। एक ये ऑक्स केबल भी प्रोवाइड किए जाती है। अगर आपको मोबाइल को या टीवी को इसे कनेक्ट करना है तो आप इस ऑक्स केबल के जरिए भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ में ये वारंटी कार्ड और मैनुअल, इसकी सभी डिटेल्स इसमें इंक्लूड है। सो आपने परचेस करने के बाद आप इसे एक बार पढ़ सकते हैं। इसमें सभी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है और उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको इस वीडियो में बताने ही जा रहा हूँ सभी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, ये है इसका सैटेलाइट स्पीकर। इसके साथ आपको ये बेस स्टैंड अलग से प्रोवाइड किए जाते हैं। ये प्लास्टिक के 4 स्टैंड है, आप ये देख सकते हैं। इसे आप वॉल पर भी अटैच कर सकते हैं, आप इसमें बैक साइड से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको वॉल माउंटिंग करने के लिए भी जगह है, आप इसे वॉल माउंटिंग भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको स्टैंड पे रखना है तो इसके लिए ये 4 स्टैंड प्रोवाइड किए हैं। इसके साथ इसे आप इजीली बिठा सकते हैं, सिर्फ आपको इसमें ये फिक्स करना है। दोस्तों, इसमें आपको फ्रंट साइड ये मेटल की ग्रिल देखने को मिलेगी, और इसकी बॉडी जो है वो ABS प्लास्टिक की बनी हुई है। सो इसी तरह से इसका डिज़ाइन एंड इसकी मटेरियल क्वालिटी बहुत अच्छी है, डेफिनेटली अच्छी क्वालिटी में ये बिल्ट हुआ है। सो दोस्तों, ये इसका सबवूफर। साइड में आपको इसका साउंड देखने को मिलेगा, ये आप साइड में देख सकते हैं, और बास आउटपुट के लिए ये फ्रंट साइड ये आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ आपको ब्लूटूथ 5.0 सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं अप टू 10 मीटर के एरिया में। 10 मीटर के एरिया में कहीं से भी आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं ब्लूटूथ पे। मेरे ख्याल से इसकी साउंड क्वालिटी ज़बरदस्त होगी। दोस्तों, हम इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसका नेट वेट जो है वो 7.3 kg है। इसका साउंड आउटपुट मैंने पहले ही बताया 100 वॉट है। इसमें आपको 6.5 inches का सबवूफर ड्राइवर देखने को मिलेगा, और 2.5 inches का ये सैटेलाइट ड्राइवर देखने को मिलेगा। इसमें यहाँ पर आपको ये सैटेलाइट 2.5 inches का ड्राइवर देखने को मिलेगा, और इसमें आपको 6.5 inches का ये सबवूफर ड्राइवर देखने को मिलेगा। सो इसी तरह से ये इसके स्पेसिफिकेशन है, मैंने आपको पहले ही बताया। इसमें ब्लूटूथ सपोर्ट मिलेगा 5.0। सो दोस्तों, आपको इसे अटैच करने के लिए ये RCA केबल पॉइंट दिए हुए हैं। दोस्तों, आपको इस 4 सैटेलाइट स्पीकर को सबवूफर से कनेक्ट करने के लिए 4 केबल प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें 2 केबल जो है वो 1.5 मीटर की है, और 2 सैटेलाइट स्पीकर की केबल जो है वो है 5 मीटर की। मतलब आप इसे दूर तक यूज़ कर सकते हैं 5 मीटर तक 2 सबवूफर को, और 2 सबवूफर को आप 1.5 मीटर के एरिया में रख सकते हैं। सो इसी तरह से ये इसका सेटअप है। और दोस्तों, साथ ही साथ आप इसके 2 सैटेलाइट स्पीकर को साउंड बार में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, मैं इन दोनों को आपको इसे कनेक्ट करके दिखाता हूँ। क्या आप देख सकते हैं, इसे कनेक्ट करने के लिए ये नीचे जगह दिए हुए, ये एक दूसरे में अटैच हो जाता है। सो इसी तरह से ये एक साउंड बार प्लेट में भी कन्वर्ट होता है। आप 2 सैटेलाइट स्पीकर को साइड में लगा सकते हैं, और सब ऊपर के साथ टीवी के नीचे आप इस साउंड बार प्लेट को भी अटैच कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन इसके साथ ये प्रोवाइड किया गया है।
सो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी बात है। सो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको इसको पहले मॉडल नंबर दिया हुआ है, इसका नेम है SCHT480GW-K। साथ में आप ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये कनेक्टिविटी ऑप्शन दिए हुए, जो दो सबवूफर है उसको आपको लेफ्ट में कनेक्ट करना है और दो सबवूफर को राइट में कनेक्ट करना है। सो इसी तरह से सेम सेटअप करना है और इसे आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं और आप ऑक्स केबल को भी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये पावर ऑफ ऑन का बटन दिया हुआ है, इस वाइट कलर को आपको इसके राइट में लगाना है और रेड कलर को लेफ्ट में। इसी तरह से आपको चारों को कनेक्ट करना है। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये है इसका रिमोट कंट्रोल। यहाँ पर आपको वॉल्यूम एडजस्ट करने के लिए, बास एडजस्ट करने के लिए बटन्स दिए हुए हैं। इनपुट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसका टच पैनल है, आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। और ये ब्लू लाइट आने पर इसका ब्लूटूथ ऑन होता है। आपको सॉन्ग चेंज करना है तो ये सॉन्ग चेंज करने के लिए टच पैनल दिया हुआ है। साथ में आपको एक USB पोर्ट देखने को मिलेगा इसके साथ, साथ ही साथ पेनड्राइव भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से ये थी इसकी साउंड क्वालिटी एंड बास क्वालिटी। दोस्तों मैं ऑनेस्टली कहना चाहता हूँ, ये 100 वॉट में आता है, इस हिसाब से इसकी साउंड क्वालिटी एंड बास क्वालिटी बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है इसकी साउंड सुनते समय, बिल्कुल भी आवाज़ फटता नहीं है। मैं एक घंटा लगातार चेक कर रहा था उससे पहले, बाद में मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो मुझे पर्सनली इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा है, 9500 में आप इसे अभी के टाइम परचेस कर सकते हैं। मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पर से आप चेक कर सकते हैं। बाकी क्वालिटी वाइज हम चेक करेंगे, इसकी बिल्टअप क्वालिटी, इसकी साउंड क्वालिटी, इसकी बास क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, डेफिनेटली आप इसे परचेस कर सकते। और इसमें साथ ही साथ इन्होंने HDMI एंड FM तो प्रोवाइड करना चाहिए था, और इसमें आपको डिजिटल पैनल मिलता तो और अच्छा होता। ये इसके साथ आपको डिजिटल पैनल नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ आपको यहाँ पर इंडिकेटर देखने को मिलेगा। सो इसी तरह से ये थी इसकी सभी डिटेल्स। दोस्तों आपको और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट रिलेटेड हर एक वीडियो देखने को मिल जाएगा। आप कोई भी वस्तु परचेस करना चाहते हैं तो एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिए। और दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों आपके और कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनका जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक उसका नोटिफिकेशन आए। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।